सो वेलकम गाइस, स्वागत है पर फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रेडमी नोट 10T मोबाइल में आप जो है किस तरीके से ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाओगे, यानी कि आपका जो ऐप लॉक है उसमें आप फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाओगे, जिससे कि आप अपने ऐप लॉक को फिंगरप्रिंट के द्वारा भी ओपन कर पाओगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको ऐड करना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगाने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाओगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर देख पा रहे हो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपको अपना पैटर्न डाल देना, जो भी आपका है, यहाँ पर हो सकता है ना दिख रहा हो, आपको पैटर्न डाल देना है अपना। उसके बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन देख रहे हो आप, प्राइवेसी पासवर्ड के नीचे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐप लॉक, तो यहाँ पर ऐप लॉक वाली बटन को आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर दोगे तो अब आपके ऐप लॉक में भी फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है, यानी कि ऐप लॉक में जो भी लगा होता है उसमें आप फिंगरप्रिंट के द्वारा भी उसको ओपन कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक को, यानी कि फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर पाओगे।